दोस्तों नमस्कार, मैं भारत भूषण कौशल डोईवाला से सर्प मित्र। आजकल गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के साथ साथ बरसात का सीज़न भी आ गया है और सांपों का भी घरों की तरफ रुख हो गया है। धान की फसल भी लग रही है और सांप जो ज़्यादातर अपने शिकार की तलाश में घरों में या धान के खेतों में है। यदि आपको सांप काट ले तो आप सबसे पहले उसको अस्पताल ले जाएं, और यदि आपको लगता है कि आपको एक घंटा या दो घंटे लग सकते हैं सरकारी अस्पताल में जाने में, तो आप उसके सबसे पहले जैसे आपको लगता है कि सांप जहरीला है तो वहीं पर उसका चीरा लगा दें, कम से कम खून निकल जाए ताकि जिसको सांप ने काटा उसकी आधी जान बच सकती थी, बच सकती है थी भी। यदि आप उसको लेट करते हैं तो जान का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि सांप के डंक दो इस तरह से उसने डंक मारा है तो ख़तरनाक है, उसका आप तुरंत इलाज करें। उसको आप ये मत सोचें कि इसमें जहर नहीं था। यदि किसी ने ऐसे दांत मारे हैं तो वो विषविहीन सांप होता है, कम जहर होता है, उसमें आप एक टीटी का इंजेक्शन भी लगा लेंगे तो आप बच सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी और बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है। आपसे निवेदन है कि एक तो आप अंधेरे में ना चलें, बच्चों को अपने साथ रखें। यदि आप अंधेरे में जा रहे हैं तो बड़े जूते पहने, डंडा साथ में रखें। एकांत में जा रहे हैं तो आप ठक ठक करके चलें ताकि सांप जो वाइब्रेशन करके हट जाए। बस यही आपसे निवेदन था कि आप भी बचें और सांप को भी बचाएं। धन्यवाद।